क्या भाई, तू दो लड़कियों से एक साथ शादी करने वाला है क्या? हाँ यार करूँगा। अरे तुझे अजीब नहीं लग रहा? अजीब का क्या है भाई, दो लड़कियाँ मुझसे शादी करना चाहती हैं, ये तो सुनहरा मौका है मेरे लिए। हाँ तेरे मजे है भाई। हाँ दो जुड़वा बहनों से शादी करने जा रहा है, बस थोड़ा संभल कर रहना। रोहन मन ही मन बहुत खुश था। दो जुड़वा बहनों से जोश की शादी होने वाली थी, उसके मन में तो लड्डू फूट रहा था। लेकिन दो जुड़वा बहनों के साथ घर में जो जंग होने वाली थी, उसके बारे में तो रोहन को पता ही नहीं था। रोहन के पास ये मौका अचानक से आ गया था। रोहन की माँ एक साल पहले ही गुजर चुकी थी। मरने से पहले उसकी माँ ने बस उससे एक ही बात कही थी, बेटा अब तक तो मैं तेरा ख्याल रखती थी, लेकिन मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा, जल्दी से शादी कर लेना बेटा, बहू आकर तेरा ख्याल रखेगी। लेकिन रोहन को कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। उधर आशा और निशा भी इसी बात से परेशान थी, उन्हें भी कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। आशा और निशा दो जुड़वा बहनें थी, बचपन से ही दोनों एक दूसरे से जलती थी। आशा को एक लड़का पसंद आया तो निशा ने कहा, वो लड़का तो मुझे भी पसंद है, मैं भी उसी से शादी करना चाहती हूँ। हाँ ऐसे कैसे, पहले मैंने उसे पसंद किया है। झगड़ा करने के बाद दोनों ने उस लड़के से ही पूछा, अच्छा तुम ही बताओ, हम दोनों में से किससे शादी करना चाहते हो, सोच कर बताना। उस लड़के ने कहा, मैं तो तुम दोनों में से किसी से भी शादी कर लूँगा, दोनों तो दिखने में सेम टू सेम हो। ये सुनकर आशा और निशा ने उस लड़के को ही वहाँ से भगा दिया। उसके बाद रोहन को किसी ने ये बात बताई कि दो जुड़वा लड़कियाँ शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हैं। रोहन आशा और निशा के घर गया और हर बार की तरह इस बार भी दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़का मुझे पसंद है, नहीं ये मुझे पसंद है, इससे मैं शादी करूँगी, नहीं इससे मैं शादी करूँगी। आशा और निशा सुंदर थी, रोहन को दोनों ही पसंद आई थी, इसलिए रोहन ने कहा, अरे रुको रुको झगड़ा मत करो, तुम दोनों ही कर लो मुझसे शादी, वैसे भी मेरे घर में और कोई है नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ, घर में तो जगह ही जगह है। ये बात आशा और निशा को पसंद आई और शादी तय हो गई। रोहन के दोस्तों ने ये सुनने के बाद उसे संभल कर रहने के लिए कहा, लेकिन रोहन के मन में तो तब लड्डू फूट रहे थे। कुछ ही दिनों में उसने आशा और निशा से शादी कर ली और दोनों बीवियों को लेकर घर आ गया। आज से यही तुम दोनों का घर है, अब यहाँ आराम से रहो। लेकिन मेरा कमरा कौन सा है? वो तुम्हारे लेफ्ट में जो कमरा है वो वाला। और मेरा? तुम्हारे दाहिने ओर जो कमरा है वो वाला। निशा का कमरा मुझसे बड़ा क्यों है? मुझे बड़ा वाला कमरा चाहिए। कहाँ बड़ा है, दोनों सेम साइज के कमरे हैं। मुझे तो आशा का कमरा बड़ा लग रहा है। एक काम करो रोहन, मेजरिंग टेप लेकर आओ और कमरों का नाप लो। रोहन मेजरिंग टेप लाया और उसने दोनों कमरों का नाप लिया। निशा का कमरा आशा के कमरे से हाफ फुट बड़ा निकला और उस कमरे को लेकर दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। वो हमेशा अच्छी चीजें ले लेती है, बड़ा वाला कमरा मुझे दे। अच्छा तू ऐसे ही हमेशा मुझसे सब कुछ छीन लेती है, ये मेरा कमरा है, चल बाहर निकल। कुछ ही देर में दोनों का झगड़ा मारपीट में बदल गया। ये देखकर रोहन दोनों को रोकने के लिए आगे बढ़ा। अरे अरे क्या कर रही हो तुम दोनों, रुक जाओ, पहले दिन ससुराल आकर कोई मारपीट करता है क्या, अरे रुक जाओ। रोहन रोकने के लिए गया और दो थप्पड़ उसे ही पड़ गए। रोहन वहाँ दोनों बहनों को छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। अरे ये क्या मुश्किल हो गई, हे भगवान मुझे बचा ले। कुछ देर बाद मारपीट रुक गई तो रोहन ने दोनों से खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन ये सुनते ही फिर से दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। निशा तू खाना बना ले। हाँ मैं क्यों बनाऊँ, तू बना ले। झगड़ा रोकने के लिए रोहन ने कहा,
अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, मैं बना लेता हूँ खाना। लेकिन फिर भी दोनों के बीच चिकन के साइज को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। आशा का चिकन बड़ा है। हाँ तो मैं तुझसे अच्छी हूँ इसलिए मुझे बड़ा चिकन मिला है। मुझे भी बड़ा चिकन चाहिए। एक के बाद एक झगड़ा होता रहा। रोहन परेशान हो गया। ऊपर से दोनों दिखने में एक जैसी थी इसीलिए कौन निशा है और कौन आशा ये समझ ही नहीं आता था। रोहन आशा के पास जाकर कह देता था, निशा तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। आशा गुस्सा हो जाती थी और रोहन निशा के पास जाकर कह देता था, आशा तुमने कल अच्छा खाना बनाया था। ये सुनकर निशा गुस्सा हो जाती थी। इसी तरह रोजमर्रा के झगड़े से रोहन परेशान हो गया। हे भगवान मैं कहाँ फंस गया, सोचा था एक बहन खाना बनाएगी और एक बहन मेरा सर दबाएगी, कितना मजा आएगा, लेकिन ये तो उल्टा मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। और एक दिन दोनों बहनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक कटोरी रोहन के सर पर लग गया और सर से खून निकलने लगा। तब जाकर रोहन को जोरों का गुस्सा आया। बस बहुत हो गया, ऐसी बीवी होने से अच्छा है कि मैं सिंगल ही रहूं। तुम दोनों अभी के अभी बाहर निकलो। रोहन ने उन दोनों को बाहर निकाल दिया और अगले ही दिन दोनों को डिवोर्स दे दिया। दो जुड़वा बहनों से एक साथ शादी करके उसका शादी से ही भरोसा उठ गया और फिर पूरी जिंदगी वो सिंगल ही रह गया। रोहन ने कभी शादी नहीं की और दोस्त यारों के सहारे खुशी खुशी जिंदगी गुजार दी। सूरजपुर गांव में मोहनलाल अपनी पत्नी निशा और बेटी चांदनी के साथ रहता था। वो बिल्कुल गोल बटोल गुड़िया से लगती थी। सबसे सुंदर उसके बाल लगते थे। चांद से चेहरे को घेरे हुए काले काले बाल बहुत सुंदर लगते थे, इसीलिए उसके माता पिता ने उसका नाम चांदनी रखा था। लेकिन दुर्भाग्य से चांदनी की माँ की मृत्यु हो गई और मोहनलाल ने मोहिनी से दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी मोहिनी की भी एक लड़की हो गई, लेकिन वो चांदनी की तरह खूबसूरत नहीं थी। फिर ऐसे ही बहुत समय बीत गया और दोनों लड़कियां कुछ बड़ी हो गईं कि तभी एक दिन मोहिनी की लड़की शिल्पा रोती हुई आई और बोली, मामी अब मैं चांदनी के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। सब कहते हैं तुम चांदनी की तरह गोरी नहीं हो और ना ही तुम्हारे बाल उसकी तरह काले और लंबे हैं। पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। अरे बेटी रो मत, तुम तो गोरी हो और तुम्हारे बाल भी लंबे हैं। हाँ लेकिन चांदनी की तरह लंबे नहीं है। जब मुझसे कोई ऐसा कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मम्मी इसकी कोई तरकीब निकालो नहीं तो मैं आज खाना भी नहीं खाऊंगी। चिंता मत करो मेरी राजकुमारी, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूँ। छोटी मोटी बातें तो दूर की बात है। उसी दिन मोहिनी ने जड़ी बूटियों की कोई दवा तैयार की और उसने वो बिरयानी में मिलाकर चांदनी को खाने के लिए दे दी। उस बिरयानी को खाने के थोड़ी ही देर के बाद चांदनी के पूरे शरीर में जलन पड़ने लगी और वो बोली, मम्मी पता नहीं ये बिरयानी खाकर मुझे क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है कि पूरे शरीर में आग जल रही है। अरे क्या हो गया है तुझे। पता नहीं क्या बात है मम्मी। दवा का असर उसे पता नहीं था, वो तो जलन के मारे तड़प रही थी। दूसरे दिन से चांदनी के शरीर में बदलाव आने लगा। फिर चांदनी अपनी सौतेली माँ से बोली, ये क्या है, मेरा सारा शरीर धीरे धीरे काला पड़ रहा है, आज मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। मम्मी ये मुझे क्या हो रहा है। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। थोड़े ही दिनों में चांदनी के सर के सारे बाल झड़ गए और उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। मम्मी आपने तो गजब ही कर दिया, मैंने तो इतना अच्छा रिजल्ट सोचा भी नहीं था।
अब ठीक है, मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगी तब सब मुझे ही सुंदर बताएंगे। फिर एक बार मोहिनी के भतीजे की शादी का कार्ड आया। मोहिनी चांदनी और शिल्पा के साथ उस फंक्शन में गई। वहाँ बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। सब चौंक कर चांदनी को देखने लगे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। देखना तो जरा कैसा नमूना आया है, ये कितनी बदसूरत लग रही है। बिल्कुल चुड़ैल लग रही है, ऐसी बदसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके तो सर पर बाल भी नहीं है, शायद किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो गया होगा। जब ऐसा हाल है तो अपने घर पर ही बैठती जरूरी क्या है कि हर जगह जाकर घुसो। सर पर बाल भी नहीं है, कितनी अजीब लग रही है। ऐसा लगता है जैसे इसे कोयले में डुबा कर निकाला है। अब भला इसे लाने की क्या जरूरत थी, सारी पार्टी का मजा ही किरकिरा कर दिया है। उनकी ये सारी बातें सुनकर शिल्पा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अब सब उसे सुंदर बता रहे थे। चांदनी की इंसल्ट देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। आज बहुत मजा आया, बहुत बनी घूमती थी पहले, अब पता चलेगा कि मेंटल टॉर्चर होना कितना बुरा लगता है। दूसरे दिन जब शिल्पा माँ और चांदनी लौटकर वापस घर आए तो चांदनी रोते हुए बोली, मम्मी आज से हम कहीं भी नहीं जाएंगे, सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। थोड़े ही दिनों में चांदनी और भी बदसूरत हो गई, इसलिए वो अपनी दवा लेने के लिए क्लिनिक में पहुंची थी। लेकिन वहां बैठे सारे मरीज चांदनी का मजाक उड़ाने लगे। एक मरीज बोला, अरे यार ये लड़की कैसी अजीब लग रही है। हाँ यार, मैंने तो आज तक ऐसी काली और बदसूरत लड़की कभी नहीं देखी जिसके सर के बाल ही गायब हो। चांदनी सुनने के सिवा और क्या कर सकती थी, वो बिना दवा लिए ही घर वापस लौट आई और सारा दिन आंसू बहाती रही। घर का सारा काम तो चांदनी ही करती थी। दूसरे दिन वो बुखार की वजह से नहीं उठी तो कुछ भी काम नहीं हुआ। शिल्पा बोली, मम्मी चाय पीनी है, अभी तक चांदनी नहीं उठी, जाकर देखो क्या बात है, कितनी देर में मिलेगी। ये सुनकर मोहिनी को बहुत जोर का गुस्सा आया और वो तमतमाई हुई आई और बोली, दिन चढ़ गया है, तुझे होश नहीं है, काली माई कही की अभी तक तूने कुछ काम नहीं किया। मैं क्या करूं, मेरा उठने का मन ही नहीं करता, पूरे बदन में दर्द हो रहा है। इस बात पर तो मोहिनी को और भी ज्यादा गुस्सा आया, उसे चाय पीने की तलब लग रही थी। उसने चांदनी को हाथ पकड़कर उठाया और दांत पीसकर बोली, चल अब जल्दी से चाय बना ले। कसम से पूरे बदन और सर में तेज दर्द है। मनहूस कही की काली कलोटी, जब तुझे कोई काम ही नहीं करना है तो यहाँ से निकल जा। मोहिनी ने हाथ पकड़कर चांदनी को घसीटा और घर के बाहर लाई। उसने चांदनी को धमकाया और कहा, आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, समझी, चल निकल यहाँ से। और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब बेचारी चांदनी बड़े बड़े आंसुओं से रोती हुई चली जा रही थी, उसके दुख का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब मैं क्या करूं? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, आज मेरी माँ होती तो ऐसा नहीं करती। बहुत थक जाने पर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वहीं पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी, बुढ़िया खजूर के पत्ते जमा कर रही थी। चांदनी उसके काम में मदद करने लगी, बुढ़िया चुपचाप उसे देखती रही। जैसे ही बुढ़िया उठी, चांदनी ने उसका टोकरा उसके सर पर रखवा दिया। बेटी तू तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तेरी दुर्दशा हो रही है। ले मैं तुझे ये कंघा देती हूँ, इसे तू अपने बालों में फिराना, और ये शीशी है, इसमें गुलाब जल भरा है, इसे पानी में डालकर नहा लेना, भगवान की दया से फिर तुझे कोई कमी नहीं रह जाएगी, और इस जादुई कंघे से तुम जो भी मांगोगी ये वही देगा।
ये सुनकर चांदनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने बुढ़िया के सामने ही कंघा अपने बालों में फिराया। कंघा फिराते ही उसके घने काले लंबे बाल वापस लहराने लगे। फिर चांदनी खुशी से अपने घर की ओर चल दी। वो बाथरूम में गई, उसने गुलाब जल को पानी में मिलाया और नहाने लगी। हे ऊपर वाले, अब मुझ पर दया करो, गुलाब जल का असर हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। नहाने के बाद जब वो बाहर निकली तो खुशी से उछल पड़ी। उसका चमचमाता गोरा रंग रूप वापस आ गया था। मम्मी देखो, मेरा गोरा रंग और मेरे बाल वापस आ गए। ये सुनते ही मोहिनी दौड़ी हुई आई और वो आंखें फाड़ फाड़ कर चांदनी को देखने लगी। अरे बेटी, तू तो पहले से भी ज्यादा गोरी हो गई है, कितनी सुंदर लग रही है, ये चमत्कार कैसे हुआ? भगवान ने ही मेरे लिए एक चमत्कार भेजा था। ऐसा जादू देखकर मोहिनी तो डर गई। अब तो बस जादुई कंघे को आजमाना बाकी रह गया था। हे जादुई कंघे, तू थोड़े से पैसों का इंतजाम कर दे और मेरी मम्मी को खुश कर दे। अब मेरी मम्मी के गुस्से को दूर कर दो। तभी उस जादुई कंघे से नोटों की गड्डी झड़ने लगी और जब गड्डियाँ देखी तो सबके मुंह पर मुस्कान आ गई। चांदनी के लिए मोहिनी के दिल में प्यार जाग उठा। ये तो कंघे की करामात थी। मोहिनी ने चांदनी को गले से लगा लिया और बोली, बेटी तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तू तो बहुत अच्छी है। चांदनी तो थी ही दिल की अच्छी, उसने सबको माफ कर दिया। शिल्पा ने भी माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो दीदी। अब तो खुशनुमा माहौल हो चुका था, घर में पैसों की कमी भी नहीं रही। फिर चांदनी दिल खोलकर गरीब लोगों की सहायता करने लगी। अब दूर दूर तक उसका नाम फैल गया और वो बहुत फेमस हो गई। बहुत समय पहले की बात है, रामगंज गांव में 7 गरीब बहनें एक साथ मिलकर रहा करती थी। वो सातों अनाथ थी। उनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। उन बहनों में आपस में बहुत प्यार था। वो सारी बहनें हमेशा साथ नहीं रहती थी, लेकिन वो सातों बहुत गरीब थी, इसलिए अपने घर का खर्च चलाने के लिए वो सातों बहनें अपने घर पर ही बर्गर बनाकर बेचा करती थी। लोगों को उनके बर्गर बहुत पसंद आते थे, इसलिए सभी लोग उन्हीं को ऑर्डर्स देते थे, जिससे वो सातों बहनें अच्छे खासे पैसे कमा लिया करती थी और बहुत खुश रहती थी। फिर एक दिन वर्षा नाम की एक अमीर लड़की उन सातों बहनों से मिलने के लिए आती है। कल मेरा जन्मदिन है, मैं अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी दे रही हूँ। मैंने तुम्हारे बर्गर की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल तुम सातों मेरे घर पर आकर मेहमानों के लिए ढेर सारे बर्गर्स बनाओ। कम से कम 100 मेहमान मेरे घर पर आएंगे। क्या तुम सातों इतने बर्गर बनाकर तैयार कर सकती हो? अगर तुम लोगों ने ये काम अच्छे से कर दिया तो मैं तुम्हें इसके ढेर सारे पैसे दूंगी। आप फिक्र मत करिए मेम साहब, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। हाँ, हमारे हाथों का बना हुआ बर्गर खाने के बाद आपके सारे मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे। इसके बाद वर्षा वहाँ से चली जाती है। फिर वो सातों बहनें सारे काम के बारे में डिस्कस करने लगती हैं और अगले दिन वो सातों बहनें बर्गर बनाने का सारा सामान लेकर वर्षा के घर पर पहुंच जाती हैं। फिर वर्षा उन्हें बर्गर तैयार करने के लिए एक जगह दे देती है और सारी बातें समझाकर वहां से चली जाती है। देखो बहनों, लगता है मेहमानों का आना शुरू हो गया है, चलो जल्दी से हम सभी बर्गर बनाकर तैयार करते हैं। फिर वो सातों बहनें जल्दी जल्दी बर्गर बनाना शुरू कर देती हैं। वो काम कर ही रही होती हैं, लेकिन तभी अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। ये देख वो सातों बहनें घबरा जाती हैं। फिर देखते ही देखते वो आग चारों तरफ फैल जाती है
और वहाँ पर रखा बर्गर का सारा सामान जलकर राख हो जाता है। उसके बाद वो सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं क्योंकि पूरे घर में आग फैल गई थी। अरे तुम सबने ये क्या कर दिया, तुम सभी की वजह से मेरे घर में आग लग गई है। अरे नहीं नहीं मेम साहब, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, ये आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। अरे ये सा तो अपनी गलती छुपाने के लिए शॉर्ट सर्किट का बहाना बना रही है, इन्हें छोड़ना मत तू। देखो तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, अब तुम सातों को इसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन मेम साहब, इस आग में हमारा सारा सामान भी तो जलकर राख हो गया, हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अच्छा तो तुम सातों मुझसे पैसे वसूल करना चाहती हो? रुको जरा, मैं अभी तुम सातों चुड़ैलों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम सातों जिंदगी में कभी भी बर्गर बनाने के बारे में नहीं सोचोगी। उसके बाद वर्षा अपनी सारी सहेलियों के साथ मिलकर उन सातों बहनों की बहुत पिटाई करती है। इतनी मार खाने से उन सातों को बहुत दर्द होता है और वो बहुत रोती हैं। फिर वर्षा उन सातों बहनों के घर पर भी कब्जा कर लेती है और सातों बहनों को हमेशा के लिए गांव से बाहर भगा देती है। अचानक अपने साथ हुई इस बुरी घटना से सातों बहनें पूरी तरह से टूट जाती हैं और कहती हैं, उस दुष्ट वर्षा ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, अब तो हमारे पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं बची। पता नहीं अब हमारे नसीब में और कितने दुख लिखे हैं। इस तरह परेशान होकर वो सातों कुछ देर तक वहीं पर बैठी रहती हैं। फिर चलते चलते वो सातों बहनें एक समंदर के किनारे पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें वहां किनारे पर दो परियां डांस करते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन तभी उन परियों की नजर सातों बहनों पर पड़ती है। फिर वो उन सातों से कहती हैं, अरे तुम सातों कौन हो और इस इलाके में क्यों आई हो? चलो निकलो यहाँ से, यहाँ पर इंसानों का आना मना है। हम सातों बहुत परेशान हैं, कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए हम समंदर से कुछ मछलियाँ पकड़ना चाहती हैं। मैंने अपनी शक्ति से इन सातों के बारे में सब कुछ जान लिया है, इन सातों के साथ बहुत बुरा हुआ है, हमें इन बेचारियों की मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो दोनों परियां अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर सात जादुई सूट प्रकट कर देती हैं। तुम सातों इन सूट को पहनकर समंदर के अंदर जाओ, ये सातों जादुई सूट तुम्हें समंदर की तह में ले जाएंगे, जहाँ तुम्हें ढेर सारा खजाना मिलेगा। तुम सातों बस उन खजानों को निकाल कर अपने साथ ले आना। परी की बात सुनकर वो सातों बहनें बहुत खुश हो गईं। फिर सातों बहनों ने वो जादुई सूट पहन लिए। जादुई सूट पहनते ही सातों बहनें हवा में उड़ने लगी और अगले ही पल सातों जादुई सूट उन्हें समंदर की गहराई में ले जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन सातों को अपने सामने खजाने से भरे दो बड़े बड़े बक्से दिखाई देते हैं। वो सातों उन बक्सों को उठाकर समंदर से बाहर निकाल लाती हैं। अब तुम सातों ये सारा खजाना लेकर जाओ, ये जादुई सूट तुम्हें तुम्हारे गांव में ले जाएंगे, लेकिन दोबारा यहाँ पर मत आना और इस जगह के बारे में कभी किसी को मत बताना। फिर बाद में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम सभी इन सात जादुई सूट से वो चीज मांग लेना। उसके बाद सातों बहनें दोनों परियों का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर वो सातों बहनें जादुई सूट के सहारे हवा में उड़ती हुई अपने गांव वापस आ जाती हैं। उसके बाद वो सातों गांव में ही एक बहुत ही विशाल मकान बनाकर वहां पर रहने लगती हैं। उनकी जिंदगी अब बहुत ही खुशहाल हो गई थी, उन सातों के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ वो सातों बहनें रोजाना गरीबों की मदद भी करती थी। ऐसे ही एक दिन वो सातों गरीबों को खाना खिला रही होती हैं कि तभी वर्षा उन सातों को देख लेती है। अरे इन सातों को तो मैंने गांव से भगा दिया था,
फिर अचानक ये सातों भिखारी बहनें इतनी अमीर कैसे हो गईं? मुझे पता लगाना ही होगा। उसके बाद वर्षा चुपके से उन सातों बहनों का पीछा करने लगती है और उनके घर का पता लगा लेती है। फिर वो एक प्लान बनाती है। उसके बाद वर्षा अगले दिन एक बड़ी सी बंदूक लेकर सातों बहनों के घर पर पहुंच जाती है। अरे वाह, तुम सातों मुझे छोड़कर यहाँ पर बड़े ऐश से रह रही हो। मुझे सच सच बताओ, तुम सातों के पास इतनी सारी दौलत कहाँ से आई? वरना बंदूक की सारी गोलियाँ मैं तुम सातों के सर में घुसा दूंगी। वर्षा के हाथ में बंदूक देखकर सातों बहनें बहुत घबरा जाती हैं और ना चाहते हुए भी उसे सातों जादुई सूट के बारे में सब कुछ बता देती हैं। अच्छा, तो ये सब इन जादुई सूटों का कमाल है। चलो जल्दी से एक जादुई सूट मुझे दो। कौन सा लूं? हाँ, ये पिंक सूट वाली। चलो जल्दी से अपना सूट मुझे दे। पिंक मेरा फेवरेट कलर है, समझी? फिर वर्षा उससे वो जादुई पिंक सूट लेकर अपने शरीर पर पहन लेती है। चलो जादुई सूट, मुझे भी हवा में उड़ाकर उस समंदर में ले चलो, ताकि मैं भी वहाँ से ढेर सारा खजाना ला सकूं और दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊं। चलो जल्दी। फिर अगले ही पल वो जादुई सूट वर्षा को लेकर आसमान में उड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वो जादुई सूट वर्षा को लाकर एक खतरनाक टापू पर पटक देता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर वो जादुई सूट उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद वर्षा खड़ी हो जाती है। उस टापू पर बहुत ही बड़े बड़े सांप मौजूद थे। इतने सारे सांपों को देखकर वर्षा के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो पागलों की तरह रोने लगती है। तभी अचानक सारे सांप एक साथ वर्षा पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते वो वर्षा को मारकर खा जाते हैं। इस तरह लालच में पड़कर वर्षा अपनी जान गवा बैठती है। उस दिन के बाद से सातों बहनों के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो सातों बहनें हंसी खुशी से सात जादुई सूट के साथ अपना जीवन जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।